ये है एक नॉर्मल PS5 जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा है, बट क्या हो अगर मैं इस PS5 को लूं और मैं इस PS5 को गोल्ड शावर दे दूं, तो ये बन जाएगा एक्सट्रीमली रेयर गोल्ड प्लेटेड PS5 जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए है। एंड ये तो कुछ नहीं है, आज हम लोग ऐसी भी चीजें देखने वाले हैं जिसकी प्राइस लिटरली करोड़ों में है, मिलियंस में, अरबों में। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स, जिसको देख के मुझे बहुत ज्यादा गरीब फील होने वाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी गरीब हूँ। ओह माय गॉड, लुक एट इट भाई, मुझे लग रहा है मैं इसको हाथ भी लगाऊंगा ना तो मेरे हाथ जल जाएंगे, ये इतना एक्सपेंसिव दिख रहा है। भाई मुझे PS5 से ज्यादा उसके कंट्रोलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। गाइस आपको यकीन है कि इसकी प्राइस लिटरली 35 लाख से भी ऊपर है। भाई मेरे पास तो नॉर्मल PS5 है भी नहीं, इसके लिए तो मेरे को अपनी, अपने दोस्तों की, अपनी पूरी फैमिली की किडनी बेचनी पड़ेगी। अरे उसके साथ गोल्डन हेडफोन्स भी हैं। ओह माय गॉड, इसको पहन के मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव फील होगा, मुझे नहीं चाहिए, पता चले कोई चोर मुझे ही उठा के ले जाए। अगली चीज है गोल्ड आईफोन प्रो जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 72 लाख रुपीज है। ये सारी प्राइजेस मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ पाकिस्तान में जितनी है। एंड भाई साहब इसको देखो तो सही, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट नाउ। बहुत प्यारा है भाई, बहुत ज्यादा प्यारा है भाई। पर आप ऐसी चीजों को बाहर नहीं ले जा सकते ना जब आप बाहर जाओ, क्योंकि अगर इस आईफोन को आप बाहर लेके गए ना तो जो चोर नहीं भी होंगे वो भी आपको लूटने की कोशिश करेंगे। ये है एक्सट्रीम स्कॉर्पियन गेमिंग सेटअप जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 78 लाख रुपीज है। भाई PCs तो हम सब गेमर्स को चाहिए। 3 मॉनिटर एंड एक चेयर अटैच है उसके साथ। वो कहते हैं ना खाने को देख के मुंह में पानी आ जाता है, यहाँ तो पूरे मुंह से वाटर पार्क बन जाएगा मेरे। अपना अगला आइटम है 18 कैरेट गोल्ड टॉयलेट जो कि है $1 मिलियन का। इसको तो नॉर्मल वॉशरूम में होना भी नहीं चाहिए भाई, इसको किसी म्यूजियम में रखो। अगर मैं अपने टॉयलेट पे $1 मिलियन लगाऊं तो फिर उस टॉयलेट को मेरी धो के भी देनी चाहिए, उसमें से आर्टिफिशियल हाथ निकले ऐसे। अच्छा जी क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि वो अपने टॉयलेट पे भी $1 मिलियन लगाते हैं भाई। एंड ये तो बस स्टार्ट हुई है, अभी तो आइटम्स और भी ज्यादा क्रेजी और वियर्ड होने वाले हैं। तो इस वॉच की वर्थ है 80 लाख रुपीज। ओह माय गॉड यार इतना पैसा, द अमाउंट ऑफ डिटेल ऑन दिस वॉच इज क्रेजी। इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। द वॉच इज एज एक्सपेंसिव एज इट इज entirely because of the amount of craftsmanship that goes into it and the length of time that it takes to produce the various effects. Isme multiple dials hain, isme world map jaisa kuch hai jo mere samajh bhi nahi aa raha, compass hai, glow bhi karti hai, koi rishtedar do please mere ko gift mein ye. ये है एक गोल्डन शर्ट जिसकी प्राइस सुन के ना आप दुनिया छोड़ के भागने की कोशिश करोगे। इस शर्ट की प्राइस है 4.7 करोड़। ये पहनने में भी भारी होगी क्या, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड है या उसको मेल्ट करके ऐसा बना दिया कि वो नॉर्मल शर्ट ही लगेगी, आई डोंट नो। एक साल पहले इसकी कल्पना मेरे मन में आई और वो भी मैं सही मार्ग से और सही ढंग से करता हूँ, कोई गलत काम करके मैं कोई पैसा कमाता नहीं और मेरा शौक पूरा नहीं करता हूँ। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट आइटम पर्सनली मेरे दिल के करीब है क्योंकि ये है 100 मिलियन यूट्यूब प्ले बटन जिसके अंदर होता है बैकराइट क्रिस्टल जो कि मुझे नहीं पता क्या है बट आई गेस इट्स वेरी एक्सपेंसिव। देखो तो सही, उसको क्राफ्ट करने के लिए पहले वो क्रिस्टल को मेल्ट करते हैं एंड देन उसका यूट्यूब बटन दबा के उसको फिक्स करते हैं। ये इतना महंगा है कि इसको एक स्पेन के म्यूजियम में रखा गया था क्योंकि जब तक इसके 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाला कोई यूट्यूबर इसको ले नहीं लेता तो तब तक इसको इनको सेफली एक म्यूजियम में रखना पड़ा। यार काश 100 मिलियन पाना बहुत ज्यादा इजी होता। गाइस जल्दी से सब्सक्राइब का बटन तोड़ दो ताकि हम लोग जल्दी से 100 मिलियन कर लें। ये है दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव यार्ड जो कि वर्थ है $1.5 बिलियन। $1 बिलियन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि $1 बिलियन को रुपए में क्या कहते हैं। Eclipse has a pool that transforms into a dance floor and a mini sub for exploring coastal reefs. इतनी एक्सपेंसिव यार्ड को तो फिर उड़ भी लेना चाहिए। ये है गोल्डन पिज्जा जिसकी वर्थ है 1.2 करोड़ रुपीज। इसको मैं अपने मुंह में डालने से पहले भी 10 बार सोचूंगा। This slice is $4,400. I know that is so. Just the cheese is amazing. Everything else is even more amazing, but I can't get past the cheese yet. Why? मतलब क्यों लोग करते होंगे ऐसे? I know it's Mr. Beast, उसका तो काम है, उसका content बनाना है, but जो real लोग इसको खरीदते होंगे, वो क्या सोच के खरीदते होंगे? Why can't people survive on a 5 रुपए का slanty?
ये एक लैम्बोर्गिनी है एंड इसकी प्राइस है 7.6 करोड़ रुपीज। इसके अंदर क्या क्या लगा होगा यार? जेट पैक तो होना ही चाहिए, ग्रेनेड लॉन्चर भी लग जाए तो वो अच्छा है, बैट सिग्नल देने के लिए एक सिग्नल भी होना चाहिए, अंदर एक पर्सनल गेमिंग सेटअप होना चाहिए। ये सब है तो मैं तो फिर खरीदने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए पैसे कहाँ से लाने हैं वो मुझे नहीं पता। ये डायमंड बारबी कॉस्ट करती है 9 करोड़ रुपीज की। इसके गले में एक नेकलेस है जिसके अंदर एक रियल डायमंड लगा है। जो मेरी ऑडियंस में लड़कियां हैं, अगर उनको इतने पैसे मिले हैं और वो बारबी की शौकीन है तो वो क्या ये लेना चाहेंगी? मैं बस क्यूरियस हूँ, मुझे बताओ कॉमेंट्स में। एंड इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे एक्सपेंसिव आइटम ये टैंक, जो कि कॉस्ट करता है कितना, $27 बिलियन। $27 बिलियन में तो मैं पूरी दुनिया खरीदना चाहता हूँ। रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कौन है? वो भी ये आई गारंटी ये बाय नहीं कर पा रहे होंगे। इलॉन मस्क जिसकी नेटवर्क है 223। भाई पैसा है कहाँ इतना, मेरे को भी दो।